नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कस्तूरबा गांधी से कुछ इम्पोर्टेंट खबरें आई है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ जान लीजिए और तैयारी में लग जाइए। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी रहेगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो या नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिन्हें भी कस्तूरबा गांधी में पढ़ाना है, अपने सहेलियों तक, अपने रिश्तेदारों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना है आपको। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कस्तूरबा गांधी में जो भी सीट आती है ना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से जो भी सीट्स आती थी वो क्या होती थी, वो होती थी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी। लेकिन पहली बार इसे अस्थायी करने के लिए जो है सरकार सोच रही है, जिसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा और फिर आप परमानेंट टीचर बन जाओगे, जैसे कि हर स्कूलों में होता है। केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, उस तरह से कस्तूरबा विद्यालय में भी परमानेंट वैकेंसी आएगी। तो ऐसे में तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा पहली बार विद्यालय में शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की जा रही है। तो ऐसे में पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ये तो भी पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से देख लीजिए, टोटल जो यहाँ पे बातें की गई है, देखिए यहाँ से आप देख पाओगे, ये ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें नेगेटिव होगा या नहीं होगा इसके बारे में बाद में डिस्कशन किया जाएगा। बाद में जब भी रूल आएगी आपको मैं बताऊँगा। अभी फ़िलहाल एज ऑफ नाउ ये चीज़ें जो सामने आई है वो मैंने आपके सामने रखी है कि ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और डेफिनेट सी बात है इसमें आपको इंग्लिश हिंदी भी पूछा जाएगा और आपका सब्जेक्ट कंसर्निंग जो है वो भी पूछा जाएगा। तो और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सभी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। बाहर के लोग इसे जो अदर जो पुरुष हैं वो इसे पद को स्थायी पद के लिए वो एलिजिबल नहीं हो जाएंगे। देखिए होता क्या है ना कि कई बार पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के लिए मांग दिया जाता है कि केमिस्ट्री से टीचर चाहिए होगा, तो महिला कैंडिडेट नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में पुरुषों को रखा जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल पे, लेकिन उन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल पे ही रखा जाएगा। जो भी परमानेंट वैकेंसी आएगी वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए आएगी। अब यहाँ से आप न्यूज़ देख लो पूरी, शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति पहली बार बन रही है नियमावली, शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव। इसमें सारी बातें हैं और एक स्कूल में, यहाँ से देख लीजिए आप एक इम्पॉर्टेंट बात, एक स्कूल में टोटल 11 पद भरे जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। स्कूल जो झारखंड में है वो है 57 और इसे 57 को आप अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको मिलेगा टोटल वैकेंसी जो है 627। याद रखिएगा सिर्फ महिलाओं के साथ आपका कंपटीशन है, तो लगभग जो है 60% या 50% तो ऐसे ही आपके सामने कंपटीशन कम हो गया। तो तैयारी में लग जाइए। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो और नोट्स वगैरह चाहिए होगा तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। थैंक यू सो मच।